देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि केंद्र सरकार में एक सीनियर मंत्री एक इतने संवेदनशील मसले पर देश के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ ये देख के कि उनको जरा भी हिचक नहीं हुई इतना बड़ा झूठ बोलते हुए, इतने बड़े संवेदनशील मसले पर जिसका इंतजार पूरे देश के लोग कर रहे हैं, पूरा जस्टिस सिस्टम कर रहा है, निर्भया के पेरेंट्स कर रहे हैं, हर लड़की कर रही है, हर लड़की का भाई कर रहा है, हर लड़की के माता पिता कर रहे हैं, और आप उस पर झूठ बोल रहे हो सरेआम। बलात्कारियों को जल्द से जल्द सजा, उनको जल्द से जल्द फांसी दिलवाने के पक्ष में है दिल्ली सरकार, लेकिन आप हमारे ऊपर डाल रहे हो कि दिल्ली सरकार ने नहीं किया, आपकी सरकार ने नहीं किया। प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुलिस आपकी, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, तिहाड़ का प्रशासन आपका, तिहाड़ का डीजी आपका, तिहाड़ आपकी, और आप कह रहे हो आपने नहीं किया, आप सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रकाश जावड़ेकर जी, दिल्ली पुलिस आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? दिल्ली में कानून व्यवस्था को अमल में लाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? तिहाड़ का प्रशासन, तिहाड़ के डीजी का अपॉइंटमेंट आप करते हैं कि नहीं करते? तिहाड़ आपकी है कि नहीं है? आप कोई जिम्मेदारी भी लेंगे कि नहीं लेंगे? जहां आपकी चोरी पकड़ी जाती है, जहां आपका फेलियर पकड़ा जाता है, जहां आपकी लापरवाही से कुछ होता है, आप चुनाव के मुद्दे पे आके इस तरह से चीजों को बरगलाना चाहते हैं लोगों को? मैं जानता हूं आपके पास मुद्दे नहीं है, दिल्ली चुनाव आ रहा है, मैं जानता हूं आपके पास में कोई काम नहीं है दिखाने के लिए और आपकी जमीन खिसक गई है दिल्ली चुनाव में, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतने घटिया बयानबाजी मत करिए प्रकाश जावड़ेकर जी। आप पूछिए अपने यहां पे होम मिनिस्ट्री से, आप पूछिए अमित शाह जी से कि दिल्ली पुलिस उनके पास थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनसे पूछिए कि तिहाड़ का प्रशासन उनके अंडर में आता है, उनके पास था, उन्होंने क्यों नहीं किया? आप पूछिए अमित शाह जी से कि क्यों जिम्मेदारी लेने से बच रहे हो? आप झूठ बोल रहे हैं चुनाव से पहले आके लोगों के सामने, आप बरगला रहे हैं लोगों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने देर क्यों की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? और अगर आपसे नहीं हो रहा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली में कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी दो दिन के लिए हमें देख लीजिए, हम फांसी चढ़वा देंगे निर्भया के हत्यारों को। पुलिस के मालिक आप बन के बैठे हो, पुलिस के व्यवस्थापक आप बन के बैठे हो, तिहाड़ के व्यवस्थापक आप बन के बैठे हो, और आप सवाल हमारे ऊपर कर रहे हो? आपसे नहीं हो रहा, आप दो दिन के लिए दे दीजिए दिल्ली पुलिस, हम फांसी चढ़वा के दिखवा देंगे। लेकिन चुनाव से पहले चुनावी मुद्दे की वजह से, इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतनी घटिया बयानबाजी, इतने घटिया आरोपबाजी मत करिए।